नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बृहस्पतिवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के दो वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 5 सैनिकों के शहीद होने तथा 2 अन्य के घायल होने के बाद सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को इलाके के वन क्षेत्र में व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। कांग्रेस ने ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बैठाओ भाजपा सरकार की खेल नीति बन गई है। पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि महिला पहलवानों के साथ ज्यादती और अन्याय के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने गुरुवार को गठबंधन की बैठक के बीच लिए गए फैसलों पर चर्चा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया। उन्होंने यह कहा कि यह कांग्रेस की तरफ से उन्हें मनाने का एक प्रयास है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के द्वारा इंडिया की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाने से नीतीश कुमार नाराज हैं। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने कल अपना 60वां जन्मदिन मनाया। अपने इस खास दिन पर उन्होंने ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने शिरकत की। सलमान खान भी आनंद पंडित के बर्थडे बैश में पहुंचे थे। इस दौरान की तमाम वीडियोज और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। कोरोना वायरस फिर वापसी कर रहा, अब नए शहरों में भी मरीज मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। NCR के गाजियाबाद में फिर एक नया मरीज मिला है। नोएडा में भी एक मरीज मिलने से टेंशन बढ़ गई है। यूपी के ही लखनऊ में भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बिहार के पटना में 2 नए मरीज पाए गए हैं। इन सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है। सरकार से लेकर प्रशासन तक अलर्ट है और लोगों को मास्क पहनने और भीड़भाड़ इलाके में जाने से बचने की सलाह दे रहा। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेवारी अब CISF को दे दी गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस इस जिम्मेदारी को निभा रही थी। बता दें कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई सेंध के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर बीते कई दिनों से विपक्षी दल भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें। ऑस्कर पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजी गई मलयालम फिल्म 2018 एज एवरीवन इज अ हीरो अब इस प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड्स की दौड़ से बाहर हो गई है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने शुक्रवार को कहा कि जूड एंथनी जोसेफ के निर्देशन वाले फिल्म इस श्रेणी के लिए चुनी गई 15वीं फिल्म में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही है। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। शेयर बाजार के निवेशकों को 31 दिसंबर से पहले इस काम को पूरा कर लेना चाहिए, वरना स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। सेबी के निर्देश के मुताबिक म्यूचुअल फंड निवेशकों और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर 2023 से पहले नॉमिनी जोड़ना होगा। संजू सैमसन के पहले एक दिवसीय शतक और अर्शदीप सिंह के 4 विकेट की मदद से भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को निर्णायक तीसरे मैच में 78 रन से हरा कर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। मैच भले ही बोलैंड पार्क में खेला गया हो, लेकिन स्टेडियम में बॉलीवुड गाने भी बजते दिखे और खासतौर पर तब जब साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज केशव महाराज स्ट्राइक पर थे। भारतीय टीम ने 26 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। इससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी अभ्यास में जुटे हुए हैं। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, लेकिन इस सेशन को देखते हुए अनुमति किसी को नहीं है। टीम इंडिया के हुए टीम में ही प्रैक्टिस मैच में शुभमन गिल ने शतक जड़कर बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर में इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर भी इंडिया गठबंधन के दिग्गज सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए जुटे हुए हैं। भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको RAC के बारे में जरूर पता होगा। इसके तहत जब टिकट वेटिंग में होता है तो RAC के तहत 2 यात्रियों को 1 सीट अलॉट की जाती है। कई बार कोच में सीट के खाली होने पर आपका टिकट कंफर्म भी हो जाता है। कई बार टिकट कंफर्म नहीं होने पर दोनों यात्रियों के बीच सुविधाओं को लेकर बहस होने लगती है, लेकिन रेलवे बोर्ड की तरफ से RAC टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सहूलियत के लिए नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए AC क्लास में सफर करने वाले RAC यात्रियों को कंबल, बेड सीट और तौलिए के अलावे तकिए समेत पूरी बेडरोल किट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 दिसंबर को अयोध्या यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासन को किसी भी समस्या से बचने के लिए होटलों को सभी अग्रिम बुकिंग रद्द करने का निर्देश दिया, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बड़ी संख्या में विशेष आमंत्रित लोग आ रहे हैं।
चीन के साथ बार बार तुलना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक बाधाओं और कौशल अंतर पर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि भारत की तुलना अन्य लोकतंत्र के साथ की जानी चाहिए, न कि अपने पड़ोसी देशों के साथ। क्या आप भी अब तक अपने लैपटॉप या पीसी पर विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है। हाल ही में कैनालिस रिसर्च ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्ट खत्म करने का प्लान बना रहा है, जिससे लगभग 24 करोड़ पर्सनल कंप्यूटर बेकार हो जाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी अगर सच में ये कदम उठाती है तो इससे कचरा बढ़ जाएगा। इन पीसी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे का वजन लगभग 48 करोड़ किलोग्राम के बराबर होगा, जो 3,20,000 कार्स के बराबर है, जबकि कई पीसी ओएस अपडेट के बाद लंबे समय तक यूज किए जा सकेंगे। दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान वहां पर काली पट्टी बांधने वाले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को आईसीसी ने फटकार लगाई है। आईसीसी के नियमों के तहत क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के दौरान किसी तरह की राजनीति के लिए टेस्ट खेलने वाले पहले मुस्लिम क्रिकेटर हैं। क्रिसमस का त्यौहार पास आ चुका है और इसे लेकर बाजारों में जोर शोर से तैयारियां चल रही। इसी मौके पर स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में क्रिसमस ट्री की तस्वीर जारी की है। ये एनजीसी 2264 की तस्वीर है, जो पृथ्वी से 2500 प्रकाश वर्ष दूर है। ये गैस और तारों का समूह है जो दिखने में बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसा नजर आ रहा। इस ट्री क्लस्टर के रूप में भी जाना जाता है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही आम आदमी को आधार से अपनी संपत्ति के कागजात लिंक कराने होंगे, क्योंकि सरकार अब तक इस पर विचार कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भ्रष्टाचार, कालाधन सृजन और बेनामी लेनदेन पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों की चल रही और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को उनके आधार से जोड़ने के अनुरोध वाली याचिका को अभियावेदन के रूप में स्वीकार कर लिया और उस पर विचार करने को कहा है। इसराइल हमास के बीच गाजा में 2 महीने से अधिक समय से संघर्ष जारी है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से शुरू हुए युद्ध में दोनों तरफ से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध के बीच चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एप्पल के आईफोन के कारण एक इसराइली सैनिक की जान बच गई। ऐसा दावा है कि एप्पल के आईफोन ने बुलेट को रोक दिया, इससे इसराइली सैनिक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसकी जान बच सकी। भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से सार्वजनिक भाषणों में दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने सख्त रोक अख्तियार करते हुए सभी दलों को उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, भाषण आदि को दिव्यांगों की पहुंच के लिए ज्यादा सुलभ और सुगम बनाने के लिए भी कहा है। ECI ने अपमानजनक भाषा के सामान्य उदाहरण देते हुए कहा कि गूंगा, मंदबुद्धि, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना जरूरी है। कॉमर्शियल LPG के 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतों में प्रति सिलेंडर 39.50 रुपए की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद 19 किलो के कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1757 रुपए होगी। बता दें कि बीते 1 दिसंबर को ही कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 21 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। अब सरकार ने इस कदम में रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक पत्र को एक्स पर शेयर किया, जिसे इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की जीत पर सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को पत्र लिखा था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख भारतीय सेना के जवानों के साहस और वीरता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया था। पॉलीकैब के खिलाफ आयकर विभाग यानी IT ने बड़ी कार्रवाई की है। आज शुक्रवार को आयकर विभाग ने देश भर में पॉलीकैब इंडिया के 50 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा। कंपनी से जुड़े शीर्ष प्रबंधन के घरों और कार्यालयों पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड देश की सबसे बड़ी तार और केबल निर्माता कंपनी है और वर्तमान में उसका बाजार पूंजीकरण 75,000 करोड़ से अधिक है। रेल मंत्रालय के अनुसार 6 वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट करीब करीब तय हो गए हैं। इनमें दिल्ली से कटरा, दिल्ली से अयोध्या होकर लखनऊ, दिल्ली से चंडीगढ़, बेंगलुरु से कोयम्बटूर, बैंगलोर से गोवा वंदे भारत शामिल है। संभावना जताई जा रही है कि 30 दिसंबर को अयोध्या से प्रधानमंत्री सभी वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आम लोगों के लिए नए वर्ष से वंदे भारत सफर के लिए उपलब्ध हो जाएंगी।
41 श्रमिकों के सिलकियारा सुरंग से निकल जाने के बाद के निर्माण कार्य बंद है। सुरंग से फिर निर्माण काम कब शुरू होगा, इसको लेकर अब कई तरह की बातें सामने आने लगी हैं। निदेशक NHAI DCL अंशु मनीष खलगों के मीडिया को दिए गए बयान से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि सुरंग के सिलकियारा सिरे पर जाँच के बाद ही काम शुरू होगा, लेकिन बरकोट सिरे पर कंपनी में काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के विस्तार की तैयारी में है। यह दो तरीके से होगा। पहला, इस योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली मदद 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जा सकती है। दूसरा, इस योजना के दायरे में उन 40 करोड़ लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जिनके पास अभी हेल्थ बीमा नहीं है। अभी आयुष्मान योजना के तहत कुल 60 करोड़ लोगों को रखने का लक्ष्य है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य अतिथि बनाए जाने की बात सामने आई थी। भारत सरकार ने बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह जनवरी में नई दिल्ली की यात्रा नहीं कर पाएंगे। कतर में मौत की सजा पाए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और घर वापसी के प्रयासों पर सरकार का पूरा फोकस है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा मामले में भारत सरकार ने लेटेस्ट अपडेट दिया है और बताया है कि इस मामले में कहां तक प्रगति हुई है और सरकार अपनी ओर से क्या कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि यह मामला अब अदालत में है और अब तक कतर की अदालत में 3 सुनवाई हो चुकी है। कतर में इन 8 भारतीयों को किस आधार पर मौत की सजा दी गई है, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि केवल इतनी जानकारी है कि इन पर इसराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 29 साल की भारतीय लड़की मायूसी भगत को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा है। उसके बारे में जानकारी देने पर $10,000 इनाम दिए जाएंगे। मायूसी कोई अपराधी नहीं है, वह लापता है। FBI ने उसे अपने लापता लोगों की लिस्ट के मोस्ट वांटेड कैटेगरी में रखा है। मायूसी भगत 4 साल पहले न्यू जर्सी से लापता हो गई थी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर, नौसाद रजा, शुभम। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।